मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जितना हमारे लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। और जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस नहीं है, जो अक्सर हम लोग समझते हैं। जब भी हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात करते हैं किसी से, तो वो हमें गलत नज़र से देखने लगता है। वो हमें सोचने लगता है कि हमारे अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, हम पागल हैं। एक्चुअल में हम पागल नहीं है, ये पूरी दुनिया, ये सब लोग पागल हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हम सब अपने माइंड की वजह से पागल हैं, और इसलिए 100% लोग मेंटली अनफिट हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 2 पॉइंट्स कवर करूंगा एक एक करके, जिसको हम सच में समझेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम लाइफ में कुछ भी पालें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, मेंटली हेल्थी नहीं है, तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते सच में। आप फिजिकली फिट हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो वो बहुत गड़बड़ है। इसलिए हमें मेंटली अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना है। और मेंटल हेल्थ कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, ये हमारे माइंड का नेचर है, जिस वजह से हमारे अंदर अननेसेसरी डिजायर्स, अननेसेसरी कंपैरिजन, यू नो, एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ डाउट और कई सारी चीज़ें, सेंसेशंस उठती रहती हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंट और हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ पर अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो हमें एक एक करके इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में बात करूंगा, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, मेंटल हेल्थ जो हम सबकी खराब है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और माइंड। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि हम पूरे दिन में ऐसी ऐसी चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में है नहीं। मैं सच बताऊं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 1 साल पहले या 1 महीने पहले किसी चीज के लिए परेशान हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए, आप रोए, क्या आपको वो चीज याद है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद भी है तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, वो आपको याद है? नहीं ना? यस। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज पास्ट में हो गई आपके साथ, वो आपको इस टाइम में याद ही नहीं है। तो यानी कि जिस चीज के लिए आप परेशान हुए थे, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना फिर। यानी कि आपने अपनी टाइम, एनर्जी, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस टाइम पे, है ना? उस टाइम पे जो आपने पूरे इमोशनली आप अनबैलेंस्ड हो गए थे, वो तो सब बर्बाद हो गया आपका, है ना? तो यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम ऐसी ऐसी चीजों के लिए परेशान होते हैं जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। और उसके पीछे जो रीजन यही है कि हमें लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें माइंड की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये पूरा माइंड कैसे काम करता है, लाइफ कैसे काम करती है। हमें पता ही नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे किया जाए, हमें पता ही नहीं है कि डिजायर्स क्या हैं, सेल्फ डाउट्स क्या हैं, कंपैरिजन क्या है, ईगो क्या है, यू नो, माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि अगर हमें ये सब चीजें पता होती तो हम माइंड से कॉप अप कर सकते थे, हम लाइफ से कॉप अप कर सकते थे। हमारे पास अगर प्रॉब्लम्स आती तो हम उनसे अच्छी तरीके से, यू नो, उनको हैंडल कर सकते थे, बट हमें किसी ने बताया नहीं। इसी वजह से हमारे पूरे दिन में ऐसी ऐसी अननेसेसरी चीजें होती हैं, क्योंकि लाइफ तो यू नो अनसर्टेन है, राइट? लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ तो चलेगी, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। तो आपको उस टाइम पे अपने आप को एडजस्ट करना है, अच्छा होता है तो भी शांत रहना है, बुरा होता है तो भी शांत रहना है, राइट? लेकिन हम ये चीज मानते नहीं है, हम जानते हैं कि हम मानते चाहते हैं कि हमारे हिसाब से लाइफ चले, ऐसा नहीं है। इसी वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है सबकी बिगड़ गई है, यू नो। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लाइफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये दुख का कारण क्या है, आप ये परेशान हो क्यों रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई ये मैं क्यों परेशान हो रहा हूं। मैं 1 साल पहले भी परेशान हुआ, तब भी कोई हल नहीं हुआ, 1-2 साल पहले हुआ तब भी कोई हल नहीं हुआ, अब भी हो रहा हूं, पूरी लाइफ होता रहा हूं, ये क्या पागलपन है भाई। हम सब पागल है, मैं सच बता रहा हूं, हमारे माइंड ने हम सबको पागल बना रखा है। आप कहने को चाहे अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट बोलो, लेकिन आप पागल हो। हम सब पागल हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक्सेप्ट करना है हम सबको एक्चुअली, राइट? तो इसलिए मेंटल हेल्थ पर बहुत जरूरी है काम करना। और मेंटल हेल्थ पर काम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हम लाइफ को अंडरस्टैंड करेंगे। और लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? जब हम लाइफ के बारे में जानेंगे, लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, अपने माइंड को एक्सप्लोर करेंगे कि ये माइंड कैसे काम करता है, डिजायर्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, सेल्फ डाउट क्या है, लाइफ क्या है, पर्पस क्या है, यू नो, जितने भी सब सारी चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जहां बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, लोगों को, अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में सुनना शुरू करेंगे, यू नो, अपनी
नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, अपनी जो कंटेंट है सही कंटेंट अपने अपने अंदर डालेंगे। हम तो लेकिन कंटेंट गलत यूज करते हैं, हम यूट्यूब पे या न्यूज चैनल में जाके कुछ भी अपने अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। आपने सुना होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप अपने अंदर जाने देंगे वही आपके बाहर आएगा, है ना। तो आप खुद सोचिए, जब आप पूरे दिन न्यूज चैनल देखेंगे, जब आप पूरे दिन निगेटिविटी सुनेंगे तो निगेटिविटी बाहर आएगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है। मेंटल हेल्थ तभी तो ठीक होगी जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे, जब आप अपने अंदर कोई सही कंटेंट डालेंगे, तभी तो मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, है ना। तो इसलिए आपको सही कंटेंट यूज करना है, सही आपको लाइफ को समझना है कि लाइफ कैसे काम करती है। बुक्स रीडिंग करनी है, जो कि बहुत जरूरी है, वो हम पढ़ते नहीं है। हमने जो एजुकेशन में पढ़ा वो पढ़ लिया, बस खत्म, हमारी डिग्री खत्म, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म, बस हमने लाइफ को पूरा समझ लिया, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बता दिया कि भाई हमने आपको डिग्री दे दी, अब आपका काम खत्म, आपको जॉब मिल गई, अब बस खत्म, लाइफ खत्म। अरे भाई, यही तो गलती हो गई। इसलिए 100% हम सब लोग मेंटली अनहेल्दी हैं, क्योंकि हमने कभी माइंड के ऊपर काम ही नहीं किया, जहां से सब चीजें शुरू हुई हैं उसी चीज को छोड़ दिया। इसलिए अब देख रहे हैं कि यार अब खुशी नहीं है लाइफ में, सब कुछ पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लाइफ में खुशी नहीं है। वो खुशी आएगी कैसे, क्योंकि जब तक आपने इसको नहीं समझा, माइंड को नहीं समझा, तो कैसे खुशी आएगी, राइट। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, ये आपने, मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई कोई मुझे कोई इसके ऊपर कोई फिलॉसफी या कोई बुक्स रीडिंग या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको कुछ अगर आपको कुछ जानना है मेंटल हेल्थ कैसे सही करनी है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी कंसल्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। लेकिन यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ अलग बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में इन चीज से कॉप अप करना चाहते हैं, तो आपको लाइफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये लाइफ क्या है, तभी आप मेंटल हेल्थ से हट पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड रीजन जो मैं बताने वाला हूं वो आपको शॉक कर सकता है। सेकंड रीजन ये है कि ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जो मेंटल हेल्थ को ओवरकम कर पाए। जी हाँ, कोई नहीं है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ एक दुख है। जी हाँ, बुद्ध ने कई सालों पहले, गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले बोल दिया था कि ये पूरा संसार जो है दुख है, जिसमें आप अच्छाई देख रहे हैं ना, यानी कि जो जिस चीज में आप सोच रहे हैं कि ये खुशी है, वो आपकी खुशी नहीं है, वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हम सब दुखी हैं, और दुख का कारण बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कई साल पहले, है ना। तो मेंटल हेल्थ, देखो, डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको बता देगा कैसे कैसे काम करना है। लेकिन आज जो मैं आपको एज ए स्पिरिचुअलिटी बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं सच में इस चीज को रियलाइज कर पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि इस चीज से कोई ओवरकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब दुख है। और दुख तभी खत्म होगा जब पहले दुख के ऊपर काम किया जाए, वो हमें पता नहीं है कि दुख के ऊपर काम कैसे करना है, है ना। तो एज ए स्पिरिचुअल बेसिस पर हमें समझना है कि ये दुख क्या है, हमें समझना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, मेडिटेशंस को, तभी हम मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अदरवाइज हम कुछ दिन, किसी ने हमें बताया, हमने कुछ दिन ट्राई किया, फिर बैक टू नॉर्मल, जिससे कोई फायदा नहीं है। सो ये मेंटल हेल्थ तो आपकी अनहेल्थी रहेगी, इट्स लाइक दिस अप एंड डाउन, कभी आप होगी कभी डाउन होगी, तो ये तो ऐसे ही चलते रहना है पूरी लाइफ तक। अगर आप चाहते हैं इसको सच में समझना, तो उसका एक ही रीजन है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लाइफ को। यहां पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक यह है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं उस मेंटल हेल्थ की वजह से, आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आपके इमोशंस अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, अनटिगर्ड हो रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप अपने आप को नीचे गिराते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको सही कंटेंट अपने अंदर डालना पड़ेगा। आपको कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जो सीखनी पड़ेंगी, आपको अपनी बॉडी पे जो एक्सरसाइज है वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स और हमारे अंदर अलग अलग केमिकल्स हमारे अंदर से आते हैं, जो हमें हमारी जो दुख है उसको दूर करते हैं। तो कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कोई हॉबी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। बुक रीडिंग आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। पॉजिटिव कंटेंट जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, वो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये ही
आपकी लाइफ को सही कर सकता है, और इसमें टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कल ही कल में सही हो जाएंगे। ये आपको 5 साल 10 साल 15 साल, इट्स अ ड्यूरेशन, ये एक टाइम लेगा आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि कई सालों की बिगड़ी हुई है ना, आपने कई सालों से क्या कंटेंट कंज्यूम किया है, राइट, उसको सुधरने में भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो सीड आपने प्लान किया है वो जो अब ग्रो हो गया है, राइट, अब वो पेड़ बन गया है, अब उसको पहले तो पेड़ को काटना पड़ेगा, जो नीम का पेड़ है उसको काटना पड़ेगा, और फिर आम का पेड़ बोना पड़ेगा। तो आम के पेड़ बोने के लिए पहले आम का सीड अपने अंदर डालना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत ही डीप है। तो आज मैं ये जो मेंटल हेल्थ है, ये दो रीजन के ऊपर मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, सेकंड आपको अंडरस्टैंड करना है एज ए स्पिरिचुअल बेसिस पे। और अगर आप एज ए इन चीजों को आप करते रहिए, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए या किसी की हेल्प लीजिए जो आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेंटल हेल्थ इज नॉट अबाउट द मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ कोई ये सब चीज नहीं है, मेंटल हेल्थ सभी के साथ है। यानी कि जो भी हमारे अंदर इमोशनली ट्रिगर होता रहता है, हम परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हमारे अंदर अननेसेसरी डिजायर आते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन, सेल्फ डाउट, ये सब मेंटल हेल्थ के ही कारण होता है। ये मेंटल हेल्थ की वजह से ही होता है, होता नहीं है, ये है एक्चुअली, ये रहेगा। तो मेंटल हेल्थ आपकी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब आपको इन सब चीजों से कॉप अप करना आ जाए, आपको फेलियर से कॉप अप करना आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि फेलियर मेरे लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो यहां जो माइंडसेट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप स्ट्रांग होने लगती है। दो इंसान है, एक इंसान फेलियर को बहुत परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है फेलियर की वजह से, एक इंसान है फेलियर को बहुत अच्छा समझ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं नया ट्राई करूंगा तो ऑफकोर्स फेल होऊंगा, और उस फेलियर की वजह से मैं कुछ नया सीखूंगा। सो यहां दोनों के माइंडसेट अलग अलग है। एक का माइंडसेट ये है कि फेलियर उसके लिए गलत है, एक का माइंडसेट ये है कि फेलियर उसके लिए अच्छा है ना। सो जितना सही माइंडसेट जिसका होगा, उसकी मेंटल हेल्थ उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर ये बंदा फेलियर को ही पॉजिटिव में समझ रहा है, तो ये बंदा ग्रो होगा, इसकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होगी, और ये बंदा फेलियर को की वजह से परेशान हो रहा है तो ये परेशानी होता रहेगा, है ना। तो मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करने के क्या क्या है, आप चीजों को कैसे लेते हैं, आप अपनी जो आउटर सिचुएशन है उसको कैसे लेते हैं, आप लोगों के ओपिनियन को कैसे लेते हैं, कोई आपको अच्छा बोल दे या आपको बुरा बोल दे तो उनको कैसे लेते हैं। सो जैसे जैसे आप समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती चली जाएगी। एंड द सेकंड पार्ट में आपको स्पिरिचुअल बेसिस पे समझना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, बुद्ध ने कई साल पहले बोल चुके थे कि ये पूरा संसार दुख है, तो मेंटल हेल्थ भी रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सब कुछ दुख है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, तो आपको एज ए स्पिरिचुअल बेसिस पे समझना है कि ये दुख क्या है और दुख को कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।